guys, my name is Ruthi. I'm here again with a new YouTube video. So first of all, Happy Independence Day in advance to all of you. And just a new video upload hoga, us din Raksha Bandhan hogi. So Happy Raksha Bandhan in advance. Not in advance to all of you. So obviously आपको पता चल ही चुका होगा. Right? Yes. So आज हम करने वाले हैं Independence Day पर painting. सो बेसिकली इस पेंटिंग में मैं पूरा का पूरा जो आई डोंट नो पूरी की पूरी जो पेंटिंग है वो इंस्पायर्ड है सोल्जर्स से. सो मैं इसमें सोल्जर्स का जो स्ट्रगल है उनका जो प्राइड है उसे एक्सप्रेस करने वाली हूँ. एंड वी ऑलवेज हैव टू प्राउड टू आवर सोल्जर्स सैल्यूट टू देम. एंड आज मैंने वाइब से मैच करने के लिए ये कुर्ती पहनी है विद ऑरेंज दुपट्टा जो कि नीचे गिर गया. ये तो ऑरेंज नहीं है. सी ऑरेंज है विद अ सिंपल इयररिंग्स एंड वॉच बिंदी. मैं कैसे भूल सकती हूँ यार. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हियर आई एम मेकिंग अ रफ स्केच. So finally we started painting. So यहाँ पर मैंने ले लिया है red color and यहाँ पर हम छोटा सा sunset बनाने वाले हैं. You know what? I love sunsets. I also. आप लोगों को भी पसंद होगा शायद. जरूर से comment कर दो. By the way, आप सबसे एक question पूछना था. आप सबको कौन सी art form सबसे ज्यादा पसंद है? जैसे कि मुझे नेचर की पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वैसे आपको कौन सी आर्ट फॉर्म पसंद है जल्दी से कमेंट्स में बताओ. सो यहाँ पर मैंने यूज किया है ऑरेंज कलर जिसकी मदद से मैं सनसेट को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ. ओके सो नाउ आई एम यूजिंग येलो कलर जो कि जितना भी पार्ट बचा है उसमें हम कर लेंगे. बिकॉज जो पार्ट मैंने छोड़ा है वहाँ पर हम दूसरे कलर्स करने वाले हैं. सो फालतू में मेहनत करके कोई फ़ायदा भी नहीं है एंड बाद में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब हम दूसरा कलर करते हैं. तो दैट्स वाई. सो हियर आई एम मेकिंग अ छोटू सा सन जो कि मैं येलो एंड वाइट को मिक्स करके बनाया है. दैट्स वाई यहाँ पर मैंने रेड कलर को लेके थोड़ा सा उसके पीछे ब्लेंड कर दिया जिसकी मदद से ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए. सो नाउ आई एम टेकिंग अ डार्क ब्लू कलर जिसे मैं इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए यूज कर रही हूँ. सो अब मैंने ले लिया है सैंड कलर जिसकी मदद से हम फ्लोर बनाएंगे. इसे सैंड कलर में येलो ओ का कलर कहते हैं. आई नो यार बट मैं तो इसे सैंड कलर ही कहूंगी. सो नाउ आई एम यूजिंग स्किन कलर जिसकी मदद से मैंने लड़की का मुंह बनाया, गला बनाया एंड उसका हाथ भी बना लिया. Then, जो सोल्जर है उसके हैंड्स बनाएंगे एंड उनका जो मुंह है उसे भी हम बनाएंगे. वैसे आपकी फैमिली में से कोई सोल्जर है क्या? अगर है तो मेरी तरफ से उन्हें सल्यूट देना. Then, स्किन कलर मैं हैंड में भी अप्लाई कर दूंगी. अब मैंने ले लिया है ब्राउन कलर जिसकी मदद से मैं बेड बनाऊंगी. ब्राउन कलर इस जमाने में इतना बोरिंग बेड कौन यूज करता है यार. I know कोई नहीं करता but I wanted to express something which is related to the old. Old यानी कि पहले के जमाने की बातें ताजा करने के लिए. वैसे आप में से कोई कभी लकड़ी के बेड पे सोया है क्या? अब मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन कलर का बहुत ही लाइट शेड जिसे कि हम बेड के बाकी सारे पार्ट्स पर कलर करेंगे. अब मैं यूज कर रही हूँ फायर. फायर यूज कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं सॉरी, अब मैं बना रही हूँ फायर. आग को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया रेड कलर जिसकी मदद से हम उसे पूरा बॉर्डर कर देंगे. इस फायर को बना के मुझे डायलॉग याद आया, क्या मैं बोलूं? नहीं बोलो. मुझे बोलना यार, मैं बोलूंगी. पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं, मैं चुके वाले सारा.
एनीवेज सो अब हम यूज कर रहे हैं येलो कलर, जिसकी मदद से जो फायर का इनर पार्ट होता है उसे हम बनाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे भी फायर बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम बनाएंगे सोल्जर का यूनिफॉर्म, जिसके लिए मैं लाइट ग्रीन कलर से थोड़े थोड़े पैचेस कर रही हूँ। पैचेस का मतलब क्या होता है? पैचेस का मतलब टप्पा होता है। वही सेम प्रोसेस हम हैंड के नीचे भी अप्लाई करेंगे। अब मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन कलर, जिससे भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे एंड छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे। और यहाँ पर हम छोटी छोटी जेब भी बनाई है, अगर आपको दिख रही हो तो। एंड दैट सेम प्रोसेस ऑन दी हैंड। अभी वही सेम प्रोसेस हम डार्क ग्रीन के साथ करेंगे। अब हम यूज करेंगे मिट्टी का कलर, जिसकी मदद से जितने भी जो सोल्जर की यूनिफॉर्म में खाली जगह बची है वहाँ पर हम उसे फिलअप कर देंगे। हैंड के नीचे भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। सो ब्लैंकेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी पिंक कलर। एंड कुशन भी हम सेम कलर का बनाएंगे। हियर अगेन आई एम यूजिंग ब्राउन कलर, जिसकी मदद से हम स्टोन्स बनाएंगे, पत्थर जो कि सोल्जर्स को लग रहे हैं। देन नाउ आई एम यूजिंग लाइट ग्रीन कलर, जिसकी मदद से हम ऊपर की जो लैंड है उसे बनाएंगे। सो अब फाइनली हम हमारा तिरंगा बनाएंगे, हमारा नेशनल फ्लैग, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। सो नेशनल फ्लैग के लिए मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। दिस साइड ऑल्सो जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी उसे भी हम ट्राई कलर फ्लैग में ही कलर करने वाले हैं। सो अब मैंने ले लिया ऑरेंज कलर, जिससे कि मैं ऑब्वियसली फ्लैग का जो अपर पार्ट है उसे कलर करूंगी। एंड दिस साइड ऑल्सो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिप है उसे कलर कर देंगे। That's why यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हाइट कलर, जिसकी मदद से मैं ऑरेंज को थोड़ा सा लाइट शेड दे दूंगी। सेम प्रोसेस हम दिस साइड भी अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हाइट कलर, जिससे कि मैं हमारे माउंटेन्स बनाऊंगी, हमारा जो पिजन है उसे भी कलर करूंगी, एंड हमारा जो अशोक चक्र है उसे भी कलर करूंगी, एंड जो हमारे फ्लैग की बॉटम स्ट्रिप है उसमें भी करूंगी, एंड हमारे ब्लैंकेट एंड कुशन में थोड़ी सी डिजाइन भी करूंगी। कितना बकबक करती हो यार, सांस तो ले लो। So now I'm taking dark blue color, जिसकी मदद से मैं पहाड़ को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। अब हम पहाड़ में कुछ छोटी छोटी लाइंस बना देंगे। सेम टू सेम प्रोसेस हम दूसरे पहाड़ में भी करेंगे। और यहाँ पर मैंने तीसरे पहाड़ को भी प्रकट कर दिया है। बाय द वे पहाड़ के अंदर जो हमने छोटी छोटी लाइंस की है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। दैट्स व्हाई हम इन लाइंस को पूरी तरह से ब्लेंड कर देंगे वाइट मिला के। अब हम बनाएंगे हमारा अशोक चक्र, जो कि होता है ब्लू कलर का। अच्छा तुम्हें पूछना था मुझे, इस अशोक चक्र में कितने लाइंस होती है एंड उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? अरे बताओ बताओ। हाँ, लाइंस को तो लाइंस ही बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर 24 लाइंस होती है, राइट? इन लाइंस को हम स्पोक्स बोलते हैं, एंड या इसके अंदर 24 ही लाइंस होती है। हाश, तुक्के तुक्के में एक आंसर तो सही निकला। सो ब्लू कलर से हमने थोड़ी सी बर्ड को डिटेलिंग दे दी है, एंड व्हाइट कलर से हमने तलवार को भी बना लिया है। सो फाइनली अब हम पूरी पेंटिंग को बॉर्डर करेंगे ब्लैक कलर से। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारे पुराने जमाने के बेड से। सो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम बॉर्डर देने वाले हैं। फर्स्ट हम इस ब्लैंकेट को बॉर्डर दे रहे हैं। अब हम जो बेड की अपर साइड होती है उसके ऊपर थोड़ी सी ये पैटर्न को भी हाईलाइट करेंगे। फाइनली हम बेड की जो साइड है उसे बॉर्डर कर देंगे। देन लड़की के हेयर्स बनाएंगे एंड उसका फेस भी बना लेंगे। सो अब हम आगे बढ़ेंगे एंड अब मैं बॉर्डर दे रही हूँ सोल्जर को। पहले हमने सोल्जर के ब्लैक शूज बनाए, देन उसकी पूरी आउटफिट को बॉर्डर दे देंगे। उसका जो बेल्ट है, सॉरी गाइस, मैं इसके आगे वीडियो नहीं बना पाई, बट इसके आगे बहुत ही इजी है। मुझे सिर्फ बॉर्डर्स एंड थोड़ी सी डिटेलिंग्स करनी थी, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड मैं आगे वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरी जो फ़ोन की स्पेस है वो फुल हो चुकी थी। दैट्स वाई सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं इसका भी ध्यान रखूंगी कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज हो,
सो सॉरी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं मैंने सोल्जर का पूरा फेस बनाया, देन फायर को बॉर्डर की, देन उसके पीछे जो कांटे एंड ऑल है उसे भी पूरा बॉर्डर दिया, देन जो पीछन है उसे बॉर्डर किया, जो हमारा ऊपर का जो सोल्जर का उसे पूरा ब्लैक कर दिया, एंड ऊपर की जो छोटी छोटी चीज है उसे भी मैंने बॉर्डर दे दी। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगी होगी एंड पेंटिंग ऑब्वियसली सो ऑब्सेस्ड विथ इट, यानी कि जो मैं चाहती थी वो आउटकम निकल के आया है। एंड अगेन जस्ट वन सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर हम शांति से अपने घर पे रह सकते हैं सो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोल्जर्स की वजह से। सो ऑलवेज मेक प्राइड। सो अकॉर्डिंग टू यू इंडिपेंडेंस डे की जो पेंटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, एंड आप उसे कैसे बनाना चाहते हो, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि विच थिंग यू आर प्राउड ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं इंडियन हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जल्दी से मुझे वो चीज़ कमेंट्स में बता दो एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।